दोस्तों आम्रपाली प्राचीन भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला थी। वह बौद्ध काल में वैशाली के वज्जी संघ की लिच्छवी राज नर्तकी थी। उसकी सुंदरता के चर्चे संपूर्ण भारत में होते थे, लेकिन उसकी ये खूबसूरती ही उसके लिए दुर्भाग्य बन गई थी। कहा जाता है कि आम्रपाली को छोटी उम्र में ही एक राज नृत्यांगना से वेश्या बनकर जीवन व्यतीत करना पड़ा था। आम्रपाली के वास्तविक माता पिता कौन है इसकी जानकारी का अभाव है, लेकिन जो उसके पालक माता पिता थे उन्हें वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इस कारण उसका नाम आम्रपाली रखा गया। वह बचपन से ही अत्यंत सुंदर थी और जैसे जैसे बड़ी होती गई उसके यौवन में और ज्यादा निखार आने लगा था। जो भी आम्रपाली को एक बार देख लेता उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता। पाली बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी उसकी सुंदरता के बारे में वर्णन मिलता है। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी जिसके कारण नगर का हर पुरुष उससे विवाह करना चाहता था। राजा महाराजाओं से लेकर नगर के व्यापारी भी उसे पाना चाहते थे। ऐसे में अगर आम्रपाली किसी एक पुरुष से विवाह कर लेती तो उसकी वजह से भयंकर युद्ध छिड़ सकता था। पाली बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था। राज्य में शांति बनी रहे इसके लिए सभी राजाओं, विद्वान पंडितों, मंत्रियों और नगरवासियों के आदेश पर आम्रपाली को नगर वधु बनकर जीवन व्यतीत करना पड़ा। राज्य के आदेश पर आम्रपाली अब पूरे नगर की दुल्हन बन चुकी थी, यानी उसे नगर के सभी पुरुषों से प्रेम करना था। नगर वधु आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई थी। मगध सम्राट बिंबिसार ने आम्रपाली से एक पुत्र को जन्म दिया था जो बाद में एक बौद्ध भिक्षु बन गया। बिंबिसार का पुत्र अजाशत्रु भी आम्रपाली से प्रेम करता था। आम्रपाली भगवान बुद्ध के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित थी। उसने भगवान बुद्ध को अपना गुरु माना था। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली की श्रद्धा, भक्ति और मन की विरक्ति से प्रभावित होकर उसे काफी ऊंचा स्थान प्रदान किया था। वे उसे आर्य अम्बा कहकर संबोधित किया करते थे और उसे अपनी शिष्या बनाना भी स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।